और मेरठ में बेकाबू ट्रक ने 15 लोगों को कुचल दिया, जिसमें से 4 लोगों की मौत हो गई। बीती रात करीब 11:30 बजे दिल्ली की तरफ से आ रहे डाक पार्सल के कैंटर ने सबसे पहले परतापुर इलाके में संजय वन के पास कई लोगों को टक्कर मारी। हादसा करके भाग रहे कैंटर ने एक मॉल के पास सड़क किनारे खड़े रिक्शों को भी टक्कर मार दी और मेरठ की तरफ फरार हो गया। बेकाबू कैंटर ने दिल्ली चुंगी के पास डिवाइडर पर सो रहे कई युवकों को भी कुचल दिया। इसके बाद आगे चल रहे एक रिक्शे में टक्कर मारी और घसीटता हुआ ले गया। फुटबॉल चौक में ये जा घुसा। करीब 1.25 घंटे बाद क्रेन पहुंची और किसी तरह से इस कैंटर में निकले हुए लोगों को, जो फंसे हुए थे, उन्हें बाहर निकाला गया। 2 के शव मौके से निकाल लिए गए, जबकि कई लोगों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती किया गया है। बुरी तरह से जख्मी हुए इस हादसे में हुए हैं, जहां 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। हादसे में जख्मी करीब 5 युवकों की हालत अब भी गंभीर बताई जा रही है। तो बेकाबू ट्रक ने 15 लोगों को कुचल डाला। कैंटर एक था जिसमें जो ड्राइवर था वो जो है मतलब अल्कोहल के नशे में था, और उसने जो है 2 व्यक्ति जो है यहाँ पे और 2 आगे हमारा फुटबॉल चौराहा पड़ता है, लगभग अभी 4 कैजुअलिटी जो है बता रहे हैं और 3 लोग घायल हैं और इनका इलाज जो है KMT में चल रहा है। हम लोगों का प्रयास ये है कि एक तो हम लोगों ने ट्रैफिक चालू करा दिया है और इसमें जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हम लोग सब लोग दिल्ली रोड पे खड़े हैं। आज दिल्ली रोड पे 2 वाहनों में टक्कर हुई है। एक गाड़ी पीछे से आ रही थी, उसने टक्कर मारी है और उसके बाद टक्कर मारने के बाद वो आगे बढ़ा है। आगे बढ़ने के बाद उसने एक रिक्शे में टक्कर मारी है, वहाँ पर भी 2 व्यक्ति की मृत्यु हो गई और जहाँ पहली टक्कर मारी थी वहाँ 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। इस प्रकार कुछ इस गाड़ी के द्वारा 2 गाड़ियों में, एक गाड़ी में और एक रिक्शे में टक्कर मारी गई। 4 व्यक्तियों की मौत हो गई है इसमें और 1 व्यक्ति घायल है। हम लोग घायल का उपचार करा रहे हैं और बाकी जो 4 हैं वो भी हॉस्पिटल में हैं और बाकी पता किया जा रहा है कैसे घटना घटी और इसमें जो भी हम लोग को यहाँ पे जानकारी प्राप्त हो रही उसके हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं। और मेरठ से हमारे संवाददाता राजीव ज्यादा जानकारी के लिए। राजीव, फिलहाल जानना चाहेंगे 5 लोगों की क्या कुछ हालत बनी हुई है, क्योंकि ये काफी नाजुक बताई जा रही है। कैसे ये पूरा हादसा सामने आया? जी देखिए, आपको बताना चाहूंगा, तेज रफ्तार ट्रक था जो कि अनियंत्रित होकर गाड़ी से टकरा गया। उसने पहले भी कई वाहनों को टक्कर मारी और उसके बाद वो तेज गति से आता हुआ डिवाइडर से टकरा कर पलट गया। फिलहाल मौके पर पहुंचे जो लोग थे उन्होंने वहां पर काफी हंगामा किया। मौके पर 4 लोगों की मौत हो गई थी और बाकी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिलहाल रेस्क्यू वहां पर करा दिया गया है। मौके पर पूरा मामला मेरठ के थाना ट्रांसपोर्ट नगर के दिल्ली रोड का है और ड्राइवर को और ट्रक को जो है पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। जी शुक्रिया राजीव, जानकारी के लिए आपका।